बेशक जिसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी हो उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला एक दिन फिर तुम पर फिर ऐसा मेहरबान होगा कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा, और अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारा अल्लाह ताला है, जो बग़ैर कुछ कहे तुम्हारे हाल से वाकिफ़ है। आप क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हैं? क्या आपको इल्म नहीं अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को आज़माता है, हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ बनाने वाले अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। जिसका रابطہ अल्लाह से हो वो नाकाम नहीं होता, नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से हैं। अल्लाह से मांगो दुनिया से नहीं, दुनिया वो भी छीन लेगी जो तुम्हारे पास होगा, और अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। बंद किए गए दरवाजे की तलब पर मायूस मत हो, इसलिए कि अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद होने के बाद कई दरवाजे खोलता है। किसी ने पूछा, अब मौजज़े क्यों नहीं होते? जवाब मिला, तुम्हारे बेशुमार गुनाहों के बाद भी अल्लाह ताला तुम्हें भूखा नहीं सोने देता, क्या ये मौजज़ा नहीं? हमारा अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरों से जाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। अल्लाह अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है, दुआ करना कभी मत छोड़ना। मुझे यकीन है एक दिन मेरा अल्लाह मेरी सारी दुआओं पर कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। जो आपके दिल के हाल से हमेशा वाकिफ रहता है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। जब ठोकरें खा कर भी ना गिरो तो समझ जाओ अल्लाह ताला ने थाम लिया है। अपनी हर तकलीफ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तुम्हें दुनिया से बेजार करके अपने अल्लाह के करीब ले आई, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है लेकिन अल्लाह ताला की क़ुर्बत बहुत कीमती है। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अपने साथ दोस्ती का मौका दिया हो। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र अल्लाह से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पसंद करता है। गुनाहों के अंधेरे को आप तौबा की रोशनी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब रखता है। शामे ज़िंदगी जाने कब हो जाएगी मेरी, या अल्लाह मौत से पहले दीदारे काबा अता करना, आमीन। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौजज़े अल्लाह ताला की शान है। दौलत रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतरीन इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है, और सुकून सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र इलाही में रखा है।